नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं फिन निफ्टी में हम कल कहाँ कामकाज कर सकते हैं। तो गाइस, कल फ्राइडे है। नॉर्मली सबके सब फिन निफ्टी और सेंसेक्स में जाएंगे। सेंसेक्स का भी मैं वीडियो भी थोड़ी देर में डाल दूंगा। तो फिन निफ्टी का अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो एक मेजर सपोर्ट है ये वाला पॉइंट, मतलब 19,540। ये वाला अगर टूटता है तो फिर यहाँ पे 19,500 के आसपास एक अगेन एक सपोर्ट आता है। ये वाला अगर 19,500 का सपोर्ट अगर फिर टूटता है तो फिर नीचे सीधा का सीधा 19,333 तक फिर मार्केट एक फॉल दिखा सकता है। तो कल अगर मार्केट अगर 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये मे बी यहाँ से इस तरह से एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जैसे टूटेगा तो फिर हम नीचे की साइड की पुट की पोजिशन के लिए ट्रेड करेंगे। 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि अगर जैसे ये वाला टूटेगा तो फिर 19,540, 19,540 और 19,500 इन दो लेवल के लिए पुट की पोजीशन बनाएंगे। 19,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है 15 मिनट कैंडल पर तो फिर फर्दर हम 19,465 तक एक कॉल पुट की पोजीशन अगेन ट्रेल कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड सिंपल हो गई आपकी, 65 या 50 तक नीचे की साइड में 100 पॉइंट का आपको यहाँ से अगेन एक डाउनफॉल इस पॉइंट तक फिर निफ्टी दिखा सकता है। अब सिचुएशन है कि यहीं से ऊपर निकलता है तो अगेन आप ऊपर निकलता है तो एटलीस्ट 19,655 के ऊपर, 19,655 के ऊपर ही 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज होगी तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। ऊपर में फर्स्ट टारगेट 19,710 तक के एसएल फिर आपका हो जाएगा करीबन 19,640 के आसपास का एसएल हो जाएगा, और ऊपर के टारगेट 19,710 और जो आज का हाई है 19,750, 50 1745, सॉरी 1745 तक एक कॉल की पोजीशन ले जा सकती है। अब सिचुएशन एक गैप अप खुलता है तो गैप अप यहीं पे रेजिस्टेंस है, शॉर्ट किया जा सकता है। एसएल रहेगा आपका 19,760 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए कहाँ तक 19,655 और 19,600 तक के लिए नीचे की साइड में आप अगेन मतलब आज के लो के लिए या फिर एक 19,635-25 के आसपास एक पुट की पोजीशन ऊपर के लेवल से बना सकते हैं। अब मार्केट यहां से डाउनफॉल देता है, गैप डाउन खुलता है, ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है, फिर अगेन अगर इसके ऊपर आ जाता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे उसी कैंडल के लो का एसएल। 3 मिनट कैंडल वेट करके देखेंगे गैप डाउन में, अगर वापस आपके इसके ऊपर आता है और उसी लेवल के ऊपर हम कॉल की पोजीशन मतलब 19,610 के ऊपर फिर एक कॉल की पोजीशन नीचे के शार्प मूवमेंट अगर देखे मतलब 19,610 को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और अगर यहाँ से अगेन रिजेक्शन खाता है नीचे आता है प्रीवियस लो को तोड़ता है तो फिर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइस, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।